Hi friends, मैं प्रशांत लू, मैं सिरामिक इंजीनियर. आज का मेरा टॉपिक है विट्रिफाइड टाइल्स. जब भी आप टाइल्स परचेसिंग के लिए जब भी आप एक दुकानदार के पास जाएंगे, जब भी रिटेलर शॉप में जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि सर विट्रिफाइड लगाओ, इसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो फ्रेंड्स, एक्चुअली विट्रिफाइड होता क्या है? जैसे कि एक सिरामिक टाइल होता है, पोर्सलिन टाइल होता है. मैं सिरामिक और पोर्सलिन को नेक्स्ट मेरे एपिसोड में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा. तो एक्चुअली विट्रिफाइड होता क्या है? जनरली लोग बोलते हैं कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम रहता है, तो पत्थर जैसा है. तो एक्चुअल में तो वैसा रहता है, लेकिन इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? जैसे मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि विट्रिफाइड जैसे कि नाम है, तो उसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस होते हैं. फ्रेंड्स, एक्चुअली कैसा होता है कि देर इज़ अ प्रोसेस. एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रिफिकेशन प्रोसेस. मैं बहुत सिंपल तरीके में कोशिश करूँ कि आपको समझाऊँ. विट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस मेकिंग अ सिरामिक बॉडी डेंस बाय लोअरिंग इट्स पोरासिटी फायरिंग अंडर अ हाई टेम्परेचर. मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि एक सिरामिक बॉडी को हम लोग इट्स डेंस बनाएंगे, उसका वाटर अब्जॉर्प्शन जो रहेगा उसको हम लोग कम करेंगे. कैसे? फायरिंग अंडर हाई टेम्परेचर, 1200 डिग्री के आसपास हम लोग उसको फायरिंग करते हैं. तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि विट्रिफिकेशन प्रोसेस. तो जब भी हम उस प्रोसेस से कुछ टाइलों को बनाते हैं, तो उस टाइलों को हम लोग बोलते हैं कि विट्रिफाइड टाइल्स. विट्रिफाइड टाइल, इसमें जो प्लस पॉइंट रहता है आपको, इसमें वाटर अब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी रहता है, इट इज़ अबाउट लेस देन 0.05. मतलब जैसे आपका पोरोसिटी, जैसे आपका वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें आपका स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है. तो इसके लिए हम लोग उसको विट्रिफाइड टाइल्स बोलते हैं. और अगेन, विट्रिफाइड टाइल्स में काफ़ी अलग टाइप के कैटेगरीज आएंगे, जैसे कि सोल्यूबल साल्ट है, डबल चार्ज है, GVT PGVT, एन नंबर ऑफ. आप उसमें भी आपको अलग अलग टाइप के आपको कैटेगरीज में आपको टाइल्स मिलेंगे मार्केट में. जो आप उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ों को कवर करते हुए आप मेरे अगले वीडियोस में देख सकते हैं. तो फिलहाल फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको विट्रिफाइड टाइल के बारे में आप समझ गए होंगे. और आपको और डिटेल में चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. मेरा नंबर भी मैंने इसमें मेंशन किया हूँ, तो अभी कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं. आपको कहीं पर भी कभी भी अगर टाइल के रिगार्डिंग आपको कुछ भी आपको टेक्निकली आपको मेरा मदद मिल सकता है, तो प्लीज़ मुझे आप कभी भी कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई देता रहूँगा. थैंक यू फ्रेंड्स.